माहौल जो कि बन गया है टिकटॉकर्स की जन्नत, जहाँ पे आते टिकटॉकर्स कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, कोई आता है लांडी से तो कोई आता है कोरंगी से। इस जगह के बारे में कितना जानते हैं और ये उनका फेवरेट स्पॉट क्यों बन चुका है? तो संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, मजा आता है इसमें टिकटॉक में हमारे को, हर चेंजिंग करते रहते हैं हम लोग टिकटॉक बनाने में। टिकटॉक में पैसा वगैरह जो फेमस है उसको मिल रहा है, जो नहीं है फेमस उसको नहीं मिल रहा। तो यार कोई बोलता है बनाओ यार अच्छा लगता है तुम्हारा टिकटॉक, वैसे मैं मेरे साथ दोस्त भी बनाते हैं लेकिन बोलते तुम अकेला बनाओ तुम अकेला फेमस हो। मेरे को फरियाल पार्क वैसे अच्छा लगता है, बेहतरी भी है और अच्छा भी लगता है। टिकटॉकर आता है, बहुत सारे आते हैं माशाल्लाह से, किसी ने बोला आज तक हमारे क्यों मना रहे होगा, किसी ने इतराज करा, किसी ने इतराज नहीं करा। राहुल का मेरे पता नहीं है किसने बनाया था, मेरे को पता नहीं है जल्दी। ये इंसान ने बनाया होगा फेरियल। इस जगह के बारे में हम तो अभी न्यू आए हैं, कम से कम 5-6 महीने हो गए, लेकिन इतना बाहर घूमते नहीं। ये तो ये टिकटॉक जब से आया लड़कियाँ यही लाइक फ्लोवर उनको ही मिलते हैं जो अब वीडियोस ऐसी बनाती हैं। बाकी ये है टैलेंट की तो कदर नहीं है टिकटॉक पे, साथ में बस जो लड़कियाँ ऐसे वीडियोज़ बनाती हो वायरल हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं मतलब पसंद भी करते हैं, कुछ होते हैं जो जेलस होते हैं उनको, उनके लिए भी लव यू हो गया। बाकी जो प्यार देते हैं उनके लिए डबल लव यू हो गया। फैमिली पार्क होते हैं जो हमारी साइड हैं, उधर नहीं छोड़ते ना जब तक फैमिली साथ में हो, नहीं छोड़ते हैं। और ये फेरियल आले इसमें सब टिकटॉकर आते रहते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं। ये बेहाई हमारे में जो फैल रही है ना उसको हमें चाहिए कि हम जैसे लोग उसको ख़त्म करें। हम लोग आ जाते हैं माहौल बना फैमिली के लिए, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं आप उसको। फैमिली अगर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं आते हैं घूमने के लिए तो उसको कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो ये हमारा ये बेहाई फैल रही है, आप तो देखते ही हो कि टिकटॉक पे कैसी कैसी वीडियो अपलोड होती है। हर बंदा देखो कहाँ भी जाता खाना खाने के लिए, अपनी वीडियो वहाँ पे बना के भेजता है, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। तो इससे अच्छा है बंदा अच्छी जो है मैसेज बंदा बंदों को देता है, अच्छी वीडियो बना के इस तरीका, जो भी जहाँ पे जितने भी बंदे यहाँ पे आए हुए हैं ठीक है ना, तो फैमिलीज देखो अलग अपने हिसाब से बैठी हुई है, बंदे अपने अलग से, तो थोड़ा सा बंदे को इंसेंट होना चाहिए। मुझे पता है फ्रियर हॉल पार्क, ये तो मुझे पता नहीं है किसने बनाया था, तो मैं कभी मैंने किसी पूछा नहीं है किसने बनाया है कब बनाया, ये इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। पहले था लिखने पढ़ने का ज़माना और अब आ गया टिकटॉक का ज़माना। आपके पास मोबाइल है, आप वीडियोज़ बना रहे हैं, आपके रात रात फॉलोवर्स मिलियंस में हिट हो रहे हैं और आप फेमस हो रहे हैं। सो ये है टिकटॉक की पावर। देखिए फ्रे हॉल जो है ये एक हिस्टोरिकल इमारत है, 10 अक्टूबर 1862 और 1863 में ये पब्लिक के लिए खुला, ठीक है, तकरीबन 150 साल से ज़्यादा हो गए इस इमारत को। गोरों ने ये बिल्डिंग बनाई थी एज अ थिएटर के लिए। बार्टन फेरियर जो है इस इलाके का कमिश्नर हुआ करता था, उसके एजाज़ में गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग बनाई थी, आधे पैसे आवाम से चंदा किए थे, आधे पैसे गवर्नमेंट ने देखे। ये फेरियर हॉल और इस इलाके को भी फेरियर कहते हैं, ये उन्हीं के नाम पर रखा गया। अच्छा, हमारे पास जो CSS की प्रिपरेशन होती है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होती है, 3 महीने के 1,00,000 रुपये चार्जेस होते हैं अगर आप उसकी प्रिपरेशन किसी टीचर से अगर करें तो, लेकिन हम वो चीज़ फ्री कराते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पार्क में आते हैं रोज़ डेली वॉक करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर क्या है, लेके जाता हूँ पर दिखाता हूँ कि सर देखिए ये सादिके ने, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था पाकिस्तान का, उसकी डेथ हो गई 1987 में। ये ख़ास बात थी, ना तो कोई उस्ताद है ना कोई शागिर्द है, वो जो काम सादिकेन साहब ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, टिकटॉकर से बात की उनकी क्या राय है और जो पब्लिक जो यहाँ पे आती है उनकी क्या राय है। और जब हमने उनसे ये पूछा कि फ्रियर हॉल के बारे में आपको पता है, तो काफ़ी लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर हमने यहाँ की इंतज़ामिया से बात की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फ्रियर हॉल की तारीख को बयान किया। चुनाचा आप इस जगह पे आ रहे हो, आपको इसकी तारीख का पता होना चाहिए, इसको अपनी वीडियो में फीचर करके पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हो सकती है। अगर से भी फ्रियर हॉल कराची।